रूस और यूक्रेन के बीच 26 महीने से भी ज्यादा समय से युद्ध जारी है। फिलहाल यह जंग थमती नजर नहीं आ रही। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन में ताजा जमीनी हमले शुरू करने के बाद 5 गांवों पर कब्जा कर लिया। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के खार्किव और रूस की सीमा पर एक विवादित ग्रे जोन स्थित है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया कि बोरिसेव का ओहिटेसेव, पेलना और स्ट्रोलेचा के गांवों को शुक्रवार को रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने प्लेटेनेवका पर कब्जा भी किया है। यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार शाम को कहा कि स्ट्रोलेचा और प्लेटेनेवका, साथ ही क्रॉस ने मोरोकोविट्स, ओलिनिकोव, लुकियांसी और हैतिशे में लड़ाई जारी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सैनिक दूसरे दिन भी जवाबी हमले कर रहे हैं और यूक्रेनी क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि जियोलोकेटेड फुटेज पुष्टि करता है कि कम से कम एक गांव को कब्जा कर लिया गया था। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र के नए सिरे से हुए हमले ने बस्तियों में रहने वाले 1,700 से अधिक नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बाइडेन प्रशासन की ओर से युद्ध के लिए $400 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया गया है। यह यूक्रेन के लिए राहत की खबर है क्योंकि रूस की ओर से बढ़ते दबाव के बीच कीव को पश्चिमी देशों से सहायता की सख्त जरूरत है। नए सैन्य सहायता पैकेज में पैट्रियट वायु रक्षा युद्ध सामग्री और स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं, जो यूक्रेन के आसमान की रक्षा करने और इसके शहरों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने कहा कि यह हमला एक बफर जोन बनाने के प्रयास की शुरुआत हो सकता है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलगोरोड और अन्य रूसी सीमा क्षेत्रों पर लगातार यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए इस साल की शुरुआत में बनाने की कसम खाई थी। यह भी डर है कि पर्याप्त आपूर्ति के बिना रूस आपूर्ति मार्गों में कटौती करने और खार्किव शहर को घेरने में भी सक्षम हो सकता है। यहां 1.1 मिलियन लोग रहते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कब्जे वाले क्षेत्र के बारे में रूसी बयानों को कम महत्व दिया है। रूसी सेनाओं को रोकने के लिए खार्किव क्षेत्र में अतिरिक्त सेना भेजी गई है। साथ ही आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दावा किया कि रूसी बलों ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के 5 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने बेरेसिकवा, ओहिटसेव, पेलना और स्टोलेज के गांवों पर कब्जा कर लिया है। ये सभी गांव यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में स्थित हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।